मुझे आज भी वो दिन याद है जब हमारा MBBS में नया नया सिलेक्शन हुआ था। गुजराती मीडियम के स्टूडेंट थे, थोड़ी बहुत अच्छी मेहनत करके MBBS में तो लग गया था, लेकिन हर एक नॉन इंग्लिश मीडियम के बच्चे की तरह हमारी स्ट्रगल्स भी भैया अब शुरू होने वाली थी। लाइफ में कभी भी इंग्लिश मीडियम में पढ़े नहीं थे। हाँ, इंग्लिश का सब्जेक्ट आता है वो अलग बात है, लेकिन उसमें भी हमारे स्कूल के जो टीचर थे वो इंग्लिश को भी गुजराती में कन्वर्ट करके पढ़ाते रहे ताकि अच्छे से समझ में आए। सो ऐसे पूरा का पूरा सिलेबस, एग्जाम्स, वाइवास एंड सब कुछ इंग्लिश में आएगा ऐसा सुन के ही डर लगता था। पढ़ाई लिखाई तो कर भी ले थोड़ी बहुत बुक से, लेकिन यहाँ पे तो प्रोफेसर सिर्फ एंड सिर्फ इंग्लिश में ही लेक्चर्स लेने वाले थे। एंड चलो वो भी ठीक है, घर पे जाके अगर समझ में नहीं आता तो बुक से पढ़ लेंगे, लेकिन एग्जाम्स एंड वाइवा का क्या, वहाँ पे तो सीधा इंग्लिश में आंसर देना पड़ता है। एंड उसमें भी स्पॉन्टेनियस इंग्लिश स्पीकिंग के सेंटेंसेस को फ्रेम करना आना चाहिए एंड उनको अच्छे से प्रेजेंट करके बोलना भी आना चाहिए, जिसमें हमारी स्किल्स भैया लिटरली जीरो थी। अब जैसे ही आप MBBS में एंटर होते हो, सबसे एक्साइटिंग एंड फैसिनेटिंग चीज जो आपको एक्सपीरियंस करने को मिलती है वो है भैया एनाटॉमी का डिसेक्शन हॉल। यस, जहाँ पे डेड बॉडी से भरे पूरे के पूरे हॉल में आपको ग्रुप्स में डेड बॉडीज को डिसेक्ट करना होता है एंड रियल बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लोर करके सीखना होता है। अभी तो हालांकि हम सर्जन बन गए तो लाइव बॉडीज पे भी ऑपरेट कर लेते हैं, लेकिन एक नए MBBS स्टूडेंट के लिए वो एक लाइफ टाइम मेमोरेबल एक्सपीरियंस होता है, एंड सो वाज फॉर मी। बट प्रॉब्लम एक ही था कि वहाँ पे सारे टीचर्स इंग्लिश में सब कुछ सिखाते थे। कुछ अच्छे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी थे जो उनके साथ अच्छे से कन्वर्जेशन भी कर लेते थे एंड उनके सारे क्वेश्चन के आंसर भी देते थे। ये सब देख के ऑब्वियसली हमें तो थोड़ा बहुत इन्फीरियरिटी फील होगी, पता ही नहीं चलता था क्या बोल के चले गए टीचर। हाँ, हमें भले कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन मजा जरूर आता था ये सारा इंग्लिश का माहौल देख के। बट एट द सेम टाइम बहुत ही ज्यादा डर एंड इनसिक्योरिटीज फील होने लगी कि भैया ऐसे तो कैसे पास आउट होंगे हम। बिल्कुल मतलब जीरो कॉन्फिडेंस था इंग्लिश बोलने में। पीजी के लिए प्रिपरेशन की बात तो आप छोड़ो, हम तो भैया वहां पे अटके हुए थे कि शायद हम यूनिवर्सिटी के एग्जाम फर्स्ट ईयर में पास कर पाएंगे या नहीं। तो थोड़ा बहुत समझने के लिए फिर हमने इंग्लिश मीडियम के एक बंदे को हमारा दोस्त बना लिया था। जैसे ही टीचर लेक्चर लेके जाते हम उसके पास 2 मिनट तक खड़े हो जाते थे एंड उसको बोल देते थे कि भैया बता दे क्या बोल के गए अब एंड ये वर्ड्स का क्या मीनिंग होता है स्पेसिफिकली। अब ये थी बात मेरे फर्स्ट ईयर की, लेकिन इसके आगे क्या क्या एंड कैसे कैसे ड्रामेटिक चेंजेस हुए वो अगर मैं बताऊंगा तो आप लिटरली बिलीव नहीं करोगे। जो बंदा फर्स्ट ईयर में पास होने का भी सोच नहीं सकता था एंड जिसको फर्स्ट ईयर के वाइवा में टीचर ने लिटरली फेल होने का बोल दिया था, उसने MBBS कंप्लीट करके PG की सारी एग्जाम्स में नेशनल लेवल पे ऑल इंडिया टॉप 100 रैंक्स हासिल किए थे। फाइनल ईयर की यूनिवर्सिटी में उसके 69% थे एंड पीडियाट्रिक के वाइवा में तो इवन एक्सटर्नल एग्जामिनर ने यहां तक बोल दिया था कि ऐसा शानदार वाइवा मैंने आज तक नहीं देखा है। एंड जो मेरा दोस्त था जिससे मैंने रिसेप्शन हॉल में इंग्लिश सीखा था वो अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट ईयर की यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में फेल हुआ था। लिटरली आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट एंड मुझे बहुत ही ज्यादा दुख हुआ था, उसके लिए बहुत ही ज्यादा बैड फील हुआ था। अभी भी वो मेरा दोस्त ही है एंड दोस्तों में ऐसे कुछ पास फेल से कुछ लेना देना नहीं होता है। बट मैं आपको जस्ट ये रियलाइज करवाना चाहता हूँ कि भैया ये MBBS की जो जर्नी है वो कितनी अनप्रेडिक्टेबल है, बट एट द सेम टाइम उसका पूरा का पूरा फेट आपके डिसीजंस एंड माइंडसेट से ही डिसाइड होता है एंड वो कैसे करना है वो अभी आपको इस वीडियो में सॉल्यूशंस के रूप में बताता हूँ। हाँ, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो ऐसा मत समझना कि मैं या तो फिर ये वीडियो आपके अगेंस्ट में है। नहीं भैया, आप ऑलरेडी एक्स्ट्रा एज पे हो लैंग्वेज एकोमोडेशन की बात में, लेकिन ये वीडियो जस्ट मेरे गुजराती, हिंदी एंड अदर लोकल लैंग्वेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है जिनको लैंग्वेज बैरियर्स की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ती है, स्पेशली फर्स्ट ईयर्स में। सबसे पहली बात, MBBS इज अ लॉन्ग, वेरी लॉन्ग गेम भैया। 5 साल में आप 5वीं कक्षा से 10वीं कक्षा में आए थे उतना टाइम फ्रेम कवर होता है एंड दैट इज अ वेरी लार्ज टाइम। इंग्लिश तो क्या भैया, आप दुनिया की 50 लैंग्वेज ये 5 साल के ड्यूरेशन में सीख सकते हो एंड इंग्लिश कोई एलियन या मार्स की लैंग्वेज तो है नहीं भैया। स्कूल में भी आप थोड़ा बहुत पढ़ के तो आए हुए ही हो। सो पहले तो ये माइंडसेट को चेंज करो कि इंग्लिश मीडियम आया मतलब कि आपकी पूरी दुनिया हिल गई एंड अब आगे सारी की सारी बात खत्म। नहीं, आप लिख के ले लो भैया, 5 साल के बाद आप NEET PG, NEXT PG या AIIMS PG में आपका ऑल इंडिया रैंक 1 ला सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स लाए हैं आपकी तरह ही, मैं भी लाया था एंड तभी यहाँ पे बैठ के आपको ज्ञान दे रहा हूँ। जस्ट रिलैक्स, कोई टेंशन नहीं लेना है भैया। आपको वाइवा में टीचर्स गालियाँ दे दे, आपके फ्रेंड्स आपके ऊपर हंसने लगे आपकी इंग्लिश सुन के, या तो लेक्चर्स में सब कुछ ऊपर से चला जाए, कोई टेंशन नहीं लेना है भैया। मैं अगर आज वहाँ से उठ के यहाँ पे बैठ के ऐसे इंग्लिश में बातें कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मन में जस्ट इतना बोलना है कि अपना टाइम आएगा एंड उसके लिए बस डेली इंप्रूवमेंट करते रहना है। अब ऑब्वियसली आप पूछोगे कि सर फिर भी कितना टाइम लगेगा इंग्लिश को सीखने में एंड थोड़ी बहुत ग्रीप आ जाए तब तक, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर हम फर्स्ट ईयर फेल हो जाए और उसके बाद इंग्लिश पता चले। तो भैया नहीं, उतना टाइम नहीं लगेगा, जस्ट 6 महीने दे दो। 6 महीने आपको लगेंगे इंग्लिश सीखने में, थोड़ा बहुत सब कुछ ऊपर से जाएगा 6 महीने तक। मेरे साथ हुआ था, मेरे गुजराती मीडियम के दोस्तों के साथ हुआ था एंड आपके साथ भी होगा। 6 महीने तक कोई टेंशन नहीं लेना है। हाँ, सीखने का ट्राई जरूर से करना है, क्योंकि MBBS का इंग्लिश जो है वो भी ऐसी कोई मामूली चीज नहीं है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड से वर्ड्स आते हैं। ऐसे आप चिल करते करते आशा रखोगे कि मैं MBBS का इंग्लिश सीख जाऊंगा तो भी वो गलत बात है। अब सीखे कैसे, तो उसके 3-4 रास्ते हैं जो मैं बताता हूँ। नंबर 1, अगर आपका इंग्लिश बिल्कुल ही जेठालाल की तरह है, I'm serious.
ग्रीन शर्ट व्हाइट चंडला इंग्लिश। एंड यहाँ से अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहते हो एंड इंग्लिश स्पीकिंग को सीखना चाहते हो तो भैया सिंपल सी बात है, कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग का क्लासेस ज्वाइन कर लो। जैसे बहुत सारे बच्चे स्कूल्स एंड कॉलेजेस में रखवाते हैं, आपके सिटी में भी आसपास में होंगे, बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि भैया आप तो नॉर्मल स्टूडेंट हो नहीं, आप तो MBBS स्टूडेंट हो। अपने साथ मत जोड़िए हमको, अलग है। आपके पास ऐसे रेगुलर टाइम कहाँ से होगा डेली वहाँ पे जाके क्लासेस अटेंड करने का। बट डोंट वरी, आप मेरे भाई हो, स्मार्ट बनेंगे हम भैया। आप यूज कर सकते हो कैम्बली। कैम्बली इज द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसको आप अपने घर पे बैठ के मोबाइल से एसेस करके इंग्लिश स्पीकिंग को सीख सकते हो। इट्स द ओनली ऐप इन द इंडिया दैट प्रोवाइड्स 1-on-1 प्राइवेट इंग्लिश क्लासेस विद ट्यूटर्स फ्रॉम द USA, UK, कनाडा एक्सेट्रा। वाह, इससे बढ़िया क्या चाहिए भैया लाइफ में। अब ये स्पेशली ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो इंग्लिश को पढ़ना लिखना जानते हैं लेकिन फ्लुएंटली बोल नहीं पाते हैं। यू कैन ऑल्सो चूज फ्रॉम वेरियस कोर्सेज लाइक बिजनेस इंग्लिश, IELTS, पर्सनल डेवलपमेंट एक्सेट्रा। ऑल्सो ट्यूटर्स ऑन द कैम्बली आर वेरी फ्रेंडली एंड सपोर्टिव, हु विल इम्प्रूव योर वीक एरियाज विदाउट एनी जजमेंट। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। सेकंड, सपोज आपको इंग्लिश बोलना थोड़ा बहुत आता है लेकिन MBBS के वर्ड्स ही ऐसे भैया जो आपको ऐसे पहली बार में समझ में नहीं आएंगे, वो नॉर्मल इंग्लिश से थोड़े परे है, सो उसके लिए क्या सोल्यूशन है? तो भैया एक नॉर्मल सी डिक्शनरी उठा लो। हमारे टाइम पे तो ऐसे जियो का ऑनलाइन जमाना नहीं था, सो हम तो एक बड़ी ऑक्सफर्ड वाली डिक्शनरी जो आती है वो लेके घूमते रहते थे एंड जो भी वर्ड समझ में नहीं आता था वो उसमें जाके ढूंढ लेते थे। बट उसमें प्रॉब्लम ये था कि उसमें ढूंढ के जब तक समझ में आता तब तक पूरा लेक्चर खत्म हो जाता था, उतना टाइम लगता था। हालांकि मेरे पास तो पैसे नहीं थे डिक्शनरी लाने के, बट मेरे मामा ने दी थी मुझे टूटी फूटी डिक्शनरी उनके जमाने की। बट आप तो स्मार्ट हो गए, जमाना भी स्मार्ट हो गया भैया, कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं, कोई पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। जस्ट सीधा प्ले स्टोर पे जाओ, सर्च करो इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी या तो इंग्लिश टू गुजराती डिक्शनरी एंड जो भी अच्छी रेटिंग वाली कोई भी एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लो। एंड जब भी जो भी वर्ड आपको समझ में नहीं आता है तुरंत वो एप्लीकेशन खोलो, उसमें जाके सर्च करो और उसका मीनिंग याद करने का ट्राई कर लो। हालांकि वो आपको एक बार में तो समझ में आएगा ही नहीं। मुझे याद है जो एनाटॉमी का फर्स्ट चैप्टर आता है उसमें जो सिखाया जाता है एंटीरियर, पोस्टीरियर, वेंट्रल, डोर्सल, रेनियल, क्रॉडल, वो सारी चीजें समझने में मुझे भैया एक हफ्ता लगा था एंड फिर भी मैं भूल जाता था। कभी कोई इंग्लिश वर्ड समझ में आ जाए तो उसका हिंदी मीनिंग भूल जाता था, कभी सब कुछ समझ में आ जाए तो एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाता था। एंड ऐसे करते करते हमने भैया डिक्शनरी से एक एक वर्ड को याद किया था हिंदी में। एंड तीसरा एंड स्मार्टेस्ट रास्ता है गूगल भैया। भैया कोई डिक्शनरी नहीं चाहिए, कोई दोस्त नहीं चाहिए, जस्ट गूगल भैया को अपना दोस्त बना लो। हाथ में मोबाइल है, होम स्क्रीन पे गूगल है, सीधा जैसे कोई भी वर्ड समझ में नहीं आता है सीधा मोबाइल ओपन करो, गूगल पे जाओ और एक सेकंड में वो वर्ड को लिख दो एंटीरियर मीनिंग इन हिंदी एंड आ जाएगा आपका वही सेम डिक्शनरी वाला मीनिंग, उससे भी ज्यादा एररलेस मैनर में। एंड साथ में आपको बाकी सारी चीजें भी एक्सेस है, आपको कोई सिनोनिम जानना है, आपको उसके रिलेवेंट आर्टिकल चाहिए, डीप में थोड़ा बहुत सीखना है उसके बारे में, दूसरी कोई लैंग्वेज में उसका मीनिंग जानना है तो भी आप सब कुछ विद इन सेकंड में क्लिक करके सीख सकते हो। साथ में विजुअल मेमोरी भी क्रिएट कर सकते हो, जस्ट सिंपली क्लिक ऑन द इमेजेस एंड पहले जो भी 5-10 इमेजेस है उनको देख लो। अगर भैया आप ये इमेजेस वाली जो हैबिट है वो फर्स्ट ईयर से ही सारे सब्जेक्ट में अप्लाई करते हो तो आपका नीट का 90% इमेज बेस्ड क्वेश्चन पहले से ही कवर अप हो जाता है आपके सिलेबस के साथ साथ ही, कोई अलग से क्लासेस कोचिंग जरूरत नहीं पड़ती है उसके लिए। इतने प्रैक्टिकल एंड रियल लाइफ एग्जांपल्स देता हूँ भैया आपको सिखाने के लिए, क्योंकि भैया हम भी आपकी जगह पे ही थे एंड वहां से उठ के यहाँ पे आए हुए हैं, हमने एक्सपीरियंस की है आपकी स्ट्रगल्स जिससे आप हमारे साथ इतना ज्यादा रिलेट कर पाते हो। पूरा MBBS आपकी हर एक स्ट्रगल में आपका साथ देंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। सो ये हैबिट बनानी है, हर एक वर्ड को जब भी आप कोई नया वर्ड पढ़ते हो गूगल पे जाके उसका मीनिंग सर्च करना ही करना है एंड उसको तब भी उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे क्लियर कर देना है। हाँ, कुछ दिन बाद आप भूल जाओगे, फिर से जब भी कहीं पे वो वर्ड आता है याद नहीं आता है फिर से गूगल पे जाओ, क्लिक करो और उसका मीनिंग देख लो हिंदी में, फिर से उसकी इमेजेस देख लो, थोड़ा बहुत विजुअल मेमोरी जो है आपकी और स्ट्रांग बन जाए। लेकिन मेक श्योर वो वर्ड का मीनिंग जाने बिना आपको आगे नहीं जाना है, चाहे उसके लिए लेक्चर ठीक से समझ में ना आए तो भी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन पहले 6 महीने आपके लिए बहुत ही ज्यादा वाइटल है इंग्लिश की ग्रिप बनाना चाहते हो तो। बाकी फिर लेक्चर्स, बुक्स एंड बाकी सारी चीजें तो आपको 5 साल MBBS में करनी ही करनी है इंग्लिश में। एंड अगर आप भैया इनमें से कोई भी मेथड यूज करना नहीं चाहते हो तो भी नो प्रॉब्लम, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ एवरीथिंग एंड MBBS एक ऐसी जर्नी है भैया जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस करवाएगा। भले आप पढ़ाई वढ़ाई करो ना करो, नॉलेज गेन करो ना करो, लेकिन एक पेज के क्वेश्चन को 4 पेज में बना के कैसे लिखना है एंड वो भी इंग्लिश में, वो आपको जरूर पता चल जाएगा 2-4 एग्जाम्स देने के बाद। वाइवा में भी सेम सीन होता है, घुमा फिरा के सब वाइवा दे ही देते हैं इंग्लिश में। Hair like gold. My words are empty. Actually. My words are finishing, but your smartness is increasing. And I'm sure girls are must be crazy about you. But you are crazy about a girl in your movie. So why is this thing reversed from your real life? Thank you. And अगर professors अच्छे होते हैं वाइवा में तो सामने से आपको help भी कर देते हैं कि कोई नहीं बेटा तुझे इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो हिंदी में बता दे, बट जस्ट तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या पूछना चाहता हूँ और तुम्हारे पास नॉलेज है या नहीं है उतना। You London? हाँ? I'm from London. फर्स्ट टाइम लंदन। अरे भाई मगर अंग्रेजी में क्यों बातें कर रहे हो, हिंदी में बात करो ना।
हाँ, दैट डजंट मीन कि आप पास हो जाओगे, बट इंग्लिश में आपको तकलीफ नहीं आएगी, उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ मैं एक दो साल के बाद। भल भले लास्ट बेंचर्स भैया इंग्लिश में पेपर्स लिख के आते हैं एंड वाइवास भी दे के आते हैं, आपके सीनियर्स को आप ऑब्जर्व कर सकते हो या तो साइलेंट उनको पूछ सकते हो। हाँ, लेकिन उसमें टाइम लगता है अगर आप ये ऊपर वाली कोई भी मेथड यूज नहीं करते हो तो। ऑब्वियसली चांस ये भी है कि कहीं पे फेयरवेल हो जाओ अगर कोई प्रोफेसर स्ट्रिक्ट इंग्लिश में वाइवा मांगता है तो, बट बात यह है कि एक दो साल के बाद सबको इंग्लिश सीख जाता है MBBS का। बाकी MBBS में आए हो तो इतने तो कैजुअल होंगे नहीं, अगर मैंने बताई है वो मेथड में से कोई भी एक मेथड पकड़ लोगे एंड उसको यूज कर लोगे अच्छे से एंड थोड़ा बहुत अपने दिमाग में से भूसा निकाल के थोड़ा अच्छा माइंडसेट बना लोगे तो भैया MBBS विल बी अ लाइफ चेंजिंग जर्नी फॉर यू। बाकी वाइवा के लिए सिर्फ इंग्लिश में बोलने से भी काम नहीं चलता है भैया, बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी फेल होते हैं, उसके लिए नॉलेज भी चाहिए जो तभी आएगा जब आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझोगे, उनको क्लियर करके अपने दिमाग में बिठाओगे ताकि आप एटलीस्ट इंग्लिश में नहीं तो हिंदी में भी प्रोफेसर को अपना नॉलेज बता सको। ऐसी तो 1000 चीजें हैं भैया मेरे पास जो आपको एज ए MBBS स्टूडेंट आपकी जर्नी को बहुत ही ज्यादा ईजी एंड स्मार्ट बना सकती है एंड उसके लिए यहाँ पे तो मैं वीडियोस डालता ही रहता हूँ, लेकिन आप मेरी एप्लीकेशन स्मार्टिक्स डाउनलोड कर सकते हो जहाँ पे आपको पूरा का पूरा स्मार्ट मेंटरशिप प्रोग्राम मिल जाएगा जो इंडिया का फर्स्ट एंड ओनली कॉन्सेप्ट है। बाकी अभी भी दिमाग से भूसा नहीं निकल रहा है तो ये वीडियो देख लो, वरना ये वीडियो देखो जो किसके साथ रिलेटेड है। बार बार मेरे वीडियोस को देखने आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में और भी ज्यादा एनर्जी के साथ।